सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी लसित मलिंगा व प्रदीप को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 का एक और रोमांचक व सातवां मुकाबला कार्डिफ के मैदान में अफगानिस्तान व श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि यह मुकाबला जरूरत से ज्यादा रोमांचक रहा। सबसे पहले इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर टॉस जीतने के बाद अफगानिस्तान की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 के सातवें व एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को 34 रनों के बड़े अंतर से हराकर कहीं ना कहीं सबके होश उड़ाकर रख दिया, क्योंकि यह मुकाबला ही इतना ज्यादा रोमांचक बन गया था। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। आज अफगानिस्तान की टीम के गेंदबाजों की तरफ से खास तौर पर मोहम्मद नबी ने श्रीलंका की टीम के सभी बड़े विकेट काफी जल्दी चटका लिए थे। हालांकि श्रीलंका की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज रहे कुशल परेरा, जिन्होंने अपनी पारी में 78 रन जड़े थे। कुशल परेरा की इसी शानदार पारी के चलते श्रीलंका की टीम कैसे न कैसे करके 201 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। आपको यह भी बता दें कि 36वें ओवर की 5वीं गेंद तक श्रीलंका की सारी टीम ऑल आउट हो चुकी थी 201 रनों के स्कोर पर। और कुछ इसी तरीके से 10 विकेट गवाकर श्रीलंका की टीम ने 202 रनों का छोटा लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम को दिया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, पहली इनिंग खत्म होने के बाद खराब मौसम के चलते इस मुकाबले में DLS मेथड भी लग गया। साथ ही इस रूल का फायदा अफगानिस्तान की टीम को इतना ज्यादा हुआ क्योंकि लक्ष्य 202 से घटके अब 187 हो चुका था। अफगानिस्तान की टीम को 187 रनों का लक्ष्य केवल 41 ओवर में तय करना था। इन दूसरी इनिंग में जैसे ही श्रीलंका की टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी के मोर्चे को संभाला तो अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी ज्यादा देर तक अपने बल्ले को लेकर उनके सामने टिक ना सके। दोस्तों, बड़े शॉट्स मारना तो दूर, पारी के 10वें ओवर तक ही श्रीलंका की टीम के तेज तर्रार गेंदबाज लसित मलिंगा के साथ साथ गेंदबाज प्रदीप ने भी अपनी धाकड़ गेंदबाजी से अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ियों की कमर ही तोड़कर रख दी थी। अभी पारी के 10 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे और अफगानिस्तान की टीम अपने 3 सबसे बड़े विकेट गंवा चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 20 ओवर में श्रीलंका की टीम के हाथ 4 बड़े विकेट लगे। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब करने वाली बात तो यह है कि चारों विकेट आज एक ही गेंदबाज ने लिए और वह थे प्रदीप। और इस खिलाड़ी की इतनी शानदार गेंदबाजी के चलते श्रीलंका की टीम 90% को इस मुकाबले को वहीं जीत चुकी थी। बाकी का बचा कुचा काम पूरा कर दिया श्रीलंका की टीम के तेज तर्रार व अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने। आपको बता दें कि मलिंगा ने भी आगे चलकर अपनी टीम के लिए कुछ बड़े विकेट लिए, साथ ही जब अंतिम विकेट लेने की बारी आई खिलाड़ी हसन कहीं न कहीं अपनी टीम के लिए छक्के मारकर जीत की एक उम्मीद जगा रहे थे। उसी दौरान 33वें ओवर की दूसरी गेंद को लसित मलिंगा ने इतनी शानदार यॉर्कर में तब्दील कर दिया, वह जाकर सीधा विकेट में लगी और बल्लेबाज हामिद अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से लसित मलिंगा व प्रदीप की शानदार गेंदबाजी के चलते श्रीलंका की टीम इस हारे हुए मुकाबले में भी 34 रनों के बड़े अंतर से जीत गई। और दोस्तों, श्रीलंका की टीम की यह जीत एक ऐतिहासिक जीत के साथ साथ काफी होश उड़ा देने वाली भी है। साल 2019 के विश्व कप की अब तक की यह सबसे रोमांचक जीत मानी जा रही है। मुकाबले की शुरुआत में जहां श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी बेहद ही कमजोर रही और फिर उसके बाद मुकाबले में DLS मेथड भी लग गया, उसके बावजूद श्रीलंका की टीम के गेंदबाजों ने आज जो अपनी ताकत दिखाई उससे कहीं न कहीं अब और टीमों को भी खतरा महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी लसित मलिंगा की इतनी शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम टॉस तो जीत चुकी थी, साथ ही उनका फैसला भी पहले गेंदबाजी करने का था, लेकिन यह फैसला कहीं न कहीं मैच की शुरुआत से अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के विपरीत जाता हुआ दिखा। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान में T20 की फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम के लगभग हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई कर दी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 6 ओवर तक श्रीलंका की टीम का कोई विकेट नहीं गिरा था और टीम का स्कोर 60 के पार जा चुका था। साथ ही पारी के 14वें ओवर तक तो टीम का स्कोर 92 तक जा चुका था और अब तक भी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर आखिरकार आगे चलकर अफगानिस्तान की टीम के इस समय के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी ने अपनी टीम को 14वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता दिलाई करुणा रत्ने के रूप में। इन अपनी पारी में करुणा रत्ने 30 रन लगा चुके थे, परंतु आगे जो मोहम्मद नबी करने वाले थे उसकी कल्पना तो शायद श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों ने आज करी ही नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पूरी बात करी जा रही है पारी के 22वें ओवर की। यह 22वां ओवर मोहम्मद नबी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इतना ज्यादा खास बना दिया कि इसे विश्व कप 2019 का सबसे बेहतरीन ओवर माना जा रहा है। अपनी गेंदबाजी से मोहम्मद नबी ने इस ओवर में सबके होश उड़ाकर रख दिए। सबसे पहले आपको बता दें कि 22वें ओवर तक ही श्रीलंका की टीम का स्कोर 144 तक पहुंच चुका था और इस ओवर की शुरुआत में पहले तो मोहम्मद नबी ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज थ्रीना माने को क्लीन बोल्ड कर दिया। थ्रीना माने भी क्रीज पर सेट हो चुके थे और वह अपनी पारी में 25 रन लगा चुके थे, लेकिन अब वह पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि मोहम्मद नबी का असली तूफान तो आना बाकी था, क्योंकि मोहम्मद नबी ने इस ओवर की चौथी गेंद पर क्रीज पर आए नए नवेले बल्लेबाज
मार्शल मेंडिस को बड़ी ही आसानी से कैच आउट करवाकर उनकी पारी को दो रनों पर समाप्त करके रख दिया। लेकिन श्रीलंका की टीम की लंका तो जब दहन हो गई जब इस ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी ने एंजेलो मैथ्यूज का विकेट लेकर उन्हें शून्य के स्कोर पर आउट कर दिया। दोस्तों मैथ्यूज भी कैच आउट हुए और कुछ इसी तरीके से मोहम्मद नबी ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। सिर्फ इतना ही नहीं आगे चलकर फिर पारी के 29वें ओवर में मोहम्मद नबी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से खिलाड़ी थिसारा परेरा का भी रन आउट करवाकर विकेट अपने नाम कर लिया। परेरा भी अपनी पारी में महज 2 रन लगा सके थे लेकिन अभी भी श्रीलंका की टीम के सबसे बड़े व सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। कुशल परेरा पारी के 31वें ओवर तक मैदान पर मौजूद थे और वह अपनी पारी में अब तक 78 रन भी लगा चुके थे लेकिन फिर राशिद खान ने उनका विकेट लेकर अपनी टीम को इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी बना दिया। आपको बता दें कि 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने एक ऐसी गेंद डाली कि कुशल परेरा उस पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर पर कैच आउट हो गए और उनकी पारी 78 रनों पर समाप्त होकर रह गई। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से मोहम्मद नबी व राशिद खान की तूफानी व फिरकी गेंदबाजी के अंदर श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज कुछ इस तरीके से फिसले कि पूरी की पूरी टीम लगभग आउट ही हो चुकी थी। पारी के 34 ओवर तक श्रीलंका की टीम ने महज अब 180 रन बनाए थे जिस पर उनके 8 विकेट गिर चुके थे। इतनी शानदार गेंदबाजी का सारा श्रेय दिया जा रहा है मोहम्मद नबी व राशिद खान को भी। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी मोहम्मद नबी की, उन्होंने अकेले ही अपनी टीम के लिए 5 विकेट जो निकाल दिए। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है मोहम्मद नबी व राशिद खान में कौन एक बेहतर स्पिनर गेंदबाज है, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों हाल ही में हुए रोमांचक मुकाबलों के बाद अब वर्ल्ड कप का रोमांच सबकी नजरों में दोगुना हो चुका है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में साउथ अफ्रीका की टीम को पछाड़ कर सबको हैरान कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम ने भी इंग्लैंड की टीम का विजयी रथ रोक दिया। पाकिस्तान की टीम ने तो हाल ही में इंग्लैंड की टीम को इतना बड़ा लक्ष्य दे डाला कि वह वर्ल्ड कप 2019 का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। लेकिन अब विश्व कप 2019 के इस टूर्नामेंट का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि 5 जून से भारतीय टीम के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम हमेशा ही हर टूर्नामेंट की सबसे अहम टीम मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टीम के पास दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाज जो मौजूद हैं। इस समय भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाजी के तौर पर कप्तान विराट कोहली हैं। और दोस्तों सिर्फ यह 3 खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी से लेकर भुवनेश्वर कुमार तक दुनिया के टॉप खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। लेकिन आज इस वीडियो में हम खास तौर पर आप सभी को बताने वाले हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, उस प्लेइंग 11 के बारे में जो कि 5 जून को साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेलती हुई दिखेगी। दोस्तों भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों के नाम तो सभी जानते हैं लेकिन अब कप्तान विराट कोहली ने खुद उन सभी खिलाड़ियों के नाम बता दिए जो कि आप सभी को 95% तो 5 जून को होने वाले भारतीय टीम के पहले मुकाबले में टीम का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि अब भारतीय टीम की प्रैक्टिस भी कवर करी जाती है, दौरान खिलाड़ियों के छोटे मोटे इंटरव्यू लिए जाते हैं और जब हाल ही में कप्तान विराट कोहली का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने अपने मुंह से उन सभी खिलाड़ियों के नाम बता दिए जो आप सभी को 5 जून को भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। दोस्तों इस इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कप्तान विराट कोहली ने कहा कि मुख्य तौर पर साउथ अफ्रीका की टीम हमें हराना चाहेगी, यह टीम दबाव में और अपने पहले 2 मुकाबले हार चुकी है लेकिन हम अपनी रणनीति व टीम के सिलेक्शन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना चाहेंगे। टीम की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा व शिखर धवन, मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे खुद मैं, महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल व खिलाड़ी केदार जाधव जो कि अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी टीम में 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर होंगे हार्दिक पांड्या व रविंद्र जडेजा, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी कुलदीप यादव के हाथों में। हम चाहते हैं कि कुलदीप यादव शुरुआती मुकाबलों में अपनी स्पिन गेंदबाजी को आजमाएं। साथ ही टीम में हमेशा की तरह 2 तेज गेंदबाज रहेंगे भुवनेश्वर कुमार व जसप्रीत बुमराह। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ करें। दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने अपने इस इंटरव्यू में पूरी टीम ही बता दी और 95% यही चांसेस माने जा रहे हैं कि यही प्लेइंग 11 आप सभी को 5 जून को खेलती हुई दिखेगी। लेकिन दोस्तों इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि साउथ अफ्रीका की टीम भी दबाव में और वह भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा दम लगा देगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है 5 जून को होने वाले भारत साउथ अफ्रीका के बीच में महामुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर साउथ अफ्रीका, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 का 6ठा मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम के बीच में नॉटिंगम के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि अपने पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से वेस्टइंडीज की टीम से हार कर आ रही पाकिस्तान की टीम आज इस मुकाबले में कुछ अलग तरीके से खेलती हुई दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जिसने अपने पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करी थी उस टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाजों को आज पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाजों ने कुछ इस तरीके से पीटा कि इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ी शायद इस बात को अपने पूरे वर्ल्ड कप के सफर में याद रखेंगे। उस बार खास तौर पर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम के कप्तान एवन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान की टीम की जोरदार बल्लेबाजी के चलते आज पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड की टीम
को 349 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य देने में कामयाब हो पाई। साथ ही इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की